अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। वेलकम बैक नाजरीन, नई सुबह नए मेहमान, नई सुबह और नए मेहमानों के साथ। जैसा कि आपको पता है कि रोज़ाना कोई ना कोई गेस्ट होता है, कोई ना कोई टैलेंट होता है, कोई ना कोई टिकटॉकर होता है, लेकिन आज का शो, आज का गेस्ट थोड़ा अलग है, थोड़ा मेरी फील्ड से रिलेटेड है। उनका भी ताल्लुक बाइकों से है, बाइकों से प्यार है, बाइकों से मोहब्बत है। जैसा कि मुझे किसी चीज़ से मोहब्बत नहीं है, एक अपनी माँ से, एक अपने बाप से, तीसरी बाइक से, कोई गुमान में ना बैठे। और ऐसी इनका भी कुछ यही सीन है। तो वेलकम करते हैं अपने शो पर हुसैन पराचा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? मैं ठीक, मजे में। नाश्ता वाश्ता किया है? भरपूर। जिंदगी में क्या चल रहा है? जिंदगी में बस मसरूफियात, काम काज। जिंदगी में गम में, गम में मजे, गम में मजे, मजे में हमें, ये मजे में दर्द, दर्द में। अच्छा, कुछ ऐसा था। तो पहले तो आप मुझे ये बताएं, बाइक से मोहब्बत। सबसे पहले मैं बताती चलूँ, हुसैन पराचा एक हैवी बाइकर हैं, स्पोर्ट्स बाइक राइड करने का इनको शौक़ है। और 2022 में इनका एक ग्रुप बना जो दी लेजेंड के नेम से, उनके एडमिन भी हैं। तो इनसे ये पूछूंगी, इस ग्रुप को बनाने का मकसद क्या था, इस ग्रुप को कितना टाइम हो गया है, इस ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं? हमारे ग्रुप को तकरीबन 6-7 महीने हो चुके हैं। अप्रैल के एंड में हमने ये ग्रुप बनाया था, और आई थिंक कराची का, पाकिस्तान का पहला ग्रुप होगा ये, कि जो रेप्लिका और चाइनीज़ बाइक्स को सपोर्ट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस ग्रुप के अंदर 50+ बाइक्स ऐड हो चुकी हैं, बाइकर्स ऐड हो चुके हैं, और इंशाल्लाह मज़ीद और बाइकर्स हम ऐड करेंगे इसके अंदर, जो जो इस चीज़ का शौक़ रखता है, बाइकिंग कम्युनिटी से होता है। तो ये है, हमें भी मौका दें अपने ग्रुप में। बिल्कुल, हमारे ग्रुप में आपको तो मौका दिया हुआ है, आपको ही दिया है, रैली में भी मौका आपको दिया। ऐसा ही है, तो बिल्कुल आपने जो देखा रैली में, हमारा बाइकर ग्रुप था दी लेजेंड हमारे साथ सिंधी कल्चर डे की रैली में, और हमने बड़ा एंजॉय भी किया, बड़ी वीडियोस वो वायरल भी गई, और उसमें हुसैन पराचा भी गलती से आ गए थे मेरी एक दो वीडियोस में, गलती से मैंने नहीं लिया, गलती से आ गए थे, खैर मजाक है। अच्छा हुसैन, मुझे ये बताएं, बाइक का शौक़ कैसे हुआ आपको? बाइक का शौक़, हर लड़के को बाइक का शौक़ होता है, 99% लोगों को बाइक का शौक़ होता है, बस बहुत कम लोग होते हैं जो इसको, इस शौक़ को पूरा करते हैं। बाकी लोग लड़कों को समझ में आता है, लड़कियों को कैसे होता है? ये इम्पोर्टेंट सवाल है, ये तो आप इसका जवाब बेहतर देंगी। अच्छा, नेक्स्ट शो पे इंशाल्लाह। तो बस ये ग्रुप था, अब एक वक्त था कि हम लोग अपनी छोटी 70 वगैरह पे जाके, ट्रैक का रास्ता तक नहीं पता होता था, तो दूर जाके खड़े होके कि हैवी बाइक देखते थे कि यार इसके साथ पिक्चर लेंगे, इसके साथ लेंगे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उस जगह खड़े होकर देखते हैं कि यार कल हम वहाँ खड़े हुए थे, आज खुद की बाइक से माशाल्लाह खुद का ग्रुप है, और हम भी कराची के बड़े ग्रुप्स के साथ मर्ज हैं, हम उनके मेंबर हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें आपके जो ग्रुप में मेंबर्स हैं वो कैसे ऐड होते हैं, अगर कोई ग्रुप में ऐड होना चाहे कैसे ऐड हो सकते हैं? ग्रुप में ऐड होना कोई मुश्किल नहीं है, सबसे पहले तो हम बंदा देखते हैं कि देखो हर किसी को तो उठा के हम ग्रुप में नहीं लगेंगे, क्योंकि ग्रुप का एक लेवल है, और हम किसी जगह भी जाते हैं तो हमको पता है कौन किस मिजाज का होना चाहिए, तो बंदे को डिपेंड करके फिर उसकी बाइक कौन सी है उस हिसाब से फिर हम उसको अपनी राइड पे लेते हैं। हमारे यहाँ कोई ये नहीं है कि तुम्हारे पास हायाबूसा होगी या कोई ओरिजिनल होगी, क्योंकि हमारा मेन मकसद ही यही है कि हम सारे छोटे बाइकर्स को एक करें, क्योंकि बहुत बाइक हैवी बाइक से ज़्यादा रेप्लिका चाइनीज़ बाइक कराची के अंदर बहुत है, और इनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। तो मेरा पहला ग्रुप है, मैं हूँ और मेरे साथ काशिफ भाई एक होते हैं, वो अभी नहीं है किसी काम की वजह से, तो हम दो इस ग्रुप के एडमिन हैं। तो हम लोगों का मेन मकसद ही यही था कि हम सब बाइकर्स को एक जगह करें। ठीक हो गया। अच्छा हुसैन पराचा, आप मुझे ये बताएं, इन फ्यूचर आपकी कौन सी बाइक आप लेने वाले हैं, या किस बाइक का आपको शौक़ है कि मैं ये बाइक लूँ, परचेज करूँ? मैं इंशाल्लाह कावासाकी H2R लेने वाले हैं इंशाल्लाह, अल्लाह पाक तौफीक दे। तो ज़रूर। क्या उसकी कॉस्ट क्या है? उसकी कॉस्ट तकरीबन आई थिंक 1.25 करोड़ कुछ है, ऐसा 1 करोड़ कुछ जी, 25 लाख से ऊपर है। कितने सीसी होती है? 1000+ ही होती है वो। तो इतनी एक्सपेंसिव क्यों? यो बेसिकली इम्पोर्टेड बाइक है, उसके फीचर्स अलग हैं, उसकी पावर, वो वर्ल्ड फास्टेस्ट बाइक है, और उसका पेट्रोल भी नॉर्मल पेट्रोल नहीं है, 5-10 मिनी, उससे भी अच्छा पेट्रोल है, वो भी जहाज वाला पेट्रोल तो नहीं डलता। मैं भी जब होगी तब पता चलेगा उसमें क्या डलता है। ये तो है। अच्छा आप मुझे ये बताएं, आप मेरे शो पर आए, और खैर पहले भी इनके साथ मेरी काफ़ी मुलाकातें हैं, राइड पे भी और बाइक भी काफ़ी राइड की है, तो मुझे ये बताएं कि आपका एक्सपीरियंस बाइक राइड के हवाले से एक एज अ गर्ल मेरे साथ कैसा रहा? आपके साथ बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत अच्छा वक्त गुजरा है हमारा, और बाइक भी आप
बहुत अच्छी चलाने लगी है अब। उड़ाने लगी है। हाँ, उड़ाने चलाने लगी है। चलाने लगी है। अभी दूर है। उड़ाना दूर है। दूर। क्या क्या कहते हैं, उड़ानी चाहिए बाइक? नहीं, बाइक नहीं उड़ाना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपने, कुछ नहीं होगा, आप अपने घर वालों को माइंड में रखें, सेफ्टी किट आप जो ना वो वेयर करें, क्योंकि आपको कुछ नहीं होगा, आपके घर में आपके पीछे क्या होगा। उड़ाने से पहले सब अपने घर वालों का सोचें जो आपके पीछे हैं। ये बाइक सबसे ज़्यादा खतरनाक सवारी है, दो पहियों की सवारी है, मेरे ऐसा ही है। सबसे खतरनाक है। ऐसा ही है। अच्छा, दी लेजेंड क्यों रखा इस ग्रुप का नाम? हम बस कुछ डिफरेंट रखना चाह रहे थे, क्योंकि अवेंजर्स के नाम से भी बहुत थे और किसी का नाम कॉपी भी करना नहीं चाह रहे थे, तो बहुत हमने एक महीना तो तकरीबन बिना ग्रुप के बस ग्रुप चला रहे थे कि नाम क्या रखें नाम क्या रखें। तो काफ़ी नाम सोचने के बाद फिर हमने कहा डी लेजेंड्स, ये नाम बेस्ट लगा है। अच्छा, इस बात पे मुझे एक अपना ही वो याद आ गया, बाबा साईं ताला साईं लोग चलाते हैं, सिविक बच्चे चलाते हैं, हम लेजेंड्स लोग हैं। लेजेंड्स लोग बाइक चलाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल, ये सीन था जो मैंने, मेरी रियल जो वॉइस थी वो ये थी, आगे से वो हमारी स्पोर्ट बाइक निकाल के तारा बोर्ड लगा दिया था, रियल वॉइस ये थी। अच्छा। मैंने स्पेशली बनाया ही बाइक पे था ये कि लेजेंड्स स्पोर्ट्स बाइक चलाते हैं, हर एक बंदे की बात नहीं। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसको बैलेंस करना हर बाजार, तो वो दिख तो आपको बिल्कुल रोड पे आप देख ऐसा ही बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, टर्न करिए ये करिए, जो राइडर होता है जो उसको कंट्रोल कर रहा होता है ना, तो बाबा सही वो कैसे गोल गोल घुमाते हैं, मुझसे पूछो कैसे टर्न लेते हैं राइट लेफ्ट, मुझे पता है कितना वो जान मांगती है। बस जो राइडर हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग कोई भी बाइक अल्हम्दुलिल्लाह मोड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल में आ चुके हैं इसके। नॉर्मल बंदा वो खड़ी बाइक भी मोड़ते हुए 10 बार सोचेगा, वो एक तो हैवी होती है, ऊपर से गिरने गिराने का डर होता है, वो ऐसी लोकल चीज़ भी नहीं है कि हर जगह मिल जाए सबसे पहले, क्योंकि वो फिर पार्ट्स भी उसके इम्पोर्ट होते हैं, देखना पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें नज़र में रख के उसको कंट्रोल करना सबसे बड़ी बात है, चलाना बड़ी बात नहीं है। कभी एक्सीडेंट हुआ है बाइक पर? एक्सीडेंट के बाद ही इतना आगे बढ़े, एक्सीडेंट के बाद ही इतना। माइनर एक्सीडेंट हुआ था, मेजर? मेजर, माइनर तो होते रहते हैं, होते रहते बहुत हुए मेरे, दो मेजर, एक तो सबसे बहुत ही बड़ा होता, सबसे लास्ट 22 दिसंबर 2020 मेरा लास्ट एक्सीडेंट था, सबसे मेजर, जो मेरा पूरा जिसम के फ्रैक्चर्स, मेरा जबड़ा सब कुछ टूट गया था और मेरी कंडीशन क्रिटिकल थी, मेरा पूरा ब्लीडिंग थी बुरी तरह। बस जिस तरह मुझे दो हॉस्पिटल ने रिजेक्ट करा था कि ये हमारा केस नहीं, आप जिना जाए, तो बस वो लियाकत गए, जब घर वालों को पता चला तो बस वहीं ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के अंदर रिकवरी हुई और फिर पता नहीं कब कहाँ से 70 वगैरह ये सब छोड़ के डायरेक्ट निंजा हैवी बाइक्स इसमें आगे वाला, अल्हम्दुलिल्लाह इतना रूज पे चल रहा है, अल्लाह पाक इसे बरकरार। चाइना की बाइक में और एक हैवी बाइक में क्या फ़र्क है? लोग क्यों प्रेफर करते हैं कि चाइना बाइक सस्ती है हैवी बाइक? हैवी बाइक ओरिजिनल होती है, थाईलैंड, इटली, सुजुकी, जेनिन और रेप्लिका चाइनीज होती है। जाहिर सी बात है, हमें पता है कि हम कोई मोबाइल भी देखेंगे ना, आईफोन, अभी आईफोन की कॉपी आया था, वो ऐसा ही, तो लोगों ने खाली शो के लिए 2-4% यूज़ हुआ है वो मोबाइल, बट फ्लॉप हुआ है क्योंकि चाइना की क्वालिटी नहीं होती है। बट रेप्लिका के अंदर कुछ बाइक्स, कुछ इंजन ऐसे हैं, जोंगशन हो गया, शेल बाय हो गया और कुछ ऐसी हैं जो कि अच्छी बाइक्स हैं, अच्छे उनकी पावर है, अच्छा इंजन है, और बाकी हर कोई हैवी बाइक्स अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप, अच्छा, हैवी बाइक की एक अपनी साउंड है, अपनी साउंड है ओरिजिनल की, और ज़्यादा अपनी साउंड है। जिक्सर की साउंड हो गई और R1 की साउंड हो गई, ये बड़ी बड़ी बाइक्स हैं, हायाबुसा हो गई है, H2 की, तो वो तो फिर एक अलग ही लेवल, वो इधर आप दोगे पीछे आवाज आएगी, आप कान पे हाथ रख के खड़े हो, ऐसा ही है, ऐसा ही है। और हर कोई हैवी बाइक अफोर्ड करता नहीं है, अब वो देखता है सेम लुक के अंदर, सेम साउंड के अंदर 19-20 है, अब हर कोई साउंड भी नहीं पहचानता, कोई कोई एग्जॉस्ट भी लगवा लेता है, एग्जॉस्ट लगा लेंगे, बट एक जितनी पावर होगी इंजन की, एक इंजन आपकी कैपेसिटी है 350, एक की कैपेसिटी है 400 cc, तो आप चाहेंगे उसमें कि 1000 cc की आवाज़ निकले, वो तो मुश्किल है, मुश्किल है। जिक्सर के जो साउंड है वो 1000 cc है, 750 है, तो उनकी साउंड है, 4 सिलेंडर बाइक्स हैं वो, अब हम डुअल सिलेंडर से उम्मीद करें कि वो वैसा करें, तो ऐसा नहीं होगा। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है आपको पुलिस वाले ने रोका? बिल्कुल ऐसा होता है, हैवी बाइक्स को, हाँ, वो 90% तो हैवी बाइक्स को नहीं रोकते, और कुछ रोकते हैं तो वो फिर अच्छी खासी इनकी रिपोर्ट्स होती है तो रोकते हैं, और पेपर्स की उस पर हैवी बाइक्स ज़्यादा रोकी जाती हैं, क्योंकि पेपर और नॉन कस्टम इस चीज़ के ऊपर बहुत होता है, तो इस तरह के ऊपर वो रोक के चेक करते हैं, पेपर वगैरह क्लियर होता है। यही पूछते हैं, ये वही बाइक है ना जो बूम बूम करती है?
ऐसा बिल्कुल लास्ट दो दिन पहले रात को मेरे साथ हुआ है, रोका कि ये शोर वाली आवाज़ है भाई, बिल्कुल चार सिलेंडर बाइक है मेरी, मैं शोर वाली होगी, मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड में कोई ऐसी बाइक चार सिलेंडर के ऊपर जिसका साउंड नहीं हो। मैंने उसको कहा कि भाई कोई ऐसी बाइक ला दो जिसका साउंड नहीं है चार सिलेंडर में, मैं अपनी बाइक यूं ही दे के चले जाऊंगा, आपको नहीं है कोई ऐसी बाइक। ऐसा ही है बिल्कुल। अच्छा हुसैन, फ्यूचर प्लान्स? फ्यूचर प्लान ग्रुप के हवाले से? फ्यूचर प्लान्स ये तो एक राइडिंग वगैरह ये तो साइड का शौक है, बाकी मेरी अपनी खुद की बुटीक है अल्हम्दुलिल्लाह, तो बिजनेस है इंशाल्लाह। किस चीज़ की बुटीक है? मेरी लेडीज सूट्स पार्टी वेयर ड्रेसेस की मेरी बुटीक है तारिक रोड के ऊपर, और मैं स्टडी कर रहा हूँ इस वक्त BBA सिक्स सेमेस्टर में हूँ। बुटीक पे कौन होता है? बुटीक पे मैं होता हूँ, मेरे फादर होते हैं स्टडी के टाइम पे, वही देख रहे होते हैं, भाई होते हैं, वालिद साहब होते हैं मेरे। 24 घंटे तो आप रोल रहे होते हैं, होते तो वही बेचारे 24 घंटे ना, हम हफ्ते इतवार का दिन या हफ्ते के रात को बाइक लेके निकल गए, या कभी काम से फारिग हुए, स्टडी से फारिग हुए, कोई इवेंट हुआ तो उसमें निकल जाते हैं, ये तो सब साइड का शौक है। ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही है। शो पे आके कैसा लग रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? शो पे आके भाई बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी इनकी रिस्पेक्ट, पूरी जितनी टीम है आरा न्यूज़ की, जितनी भी टीम है सबने बहुत रिस्पेक्ट दी, बहुत अच्छा लग रहा है, और इंशाल्लाह इनसे मुलाकात फिर रहेगी, और सबसे बस एक ही है कि मिलजुल कर रहें, आपस में इख्तलाफात ना रखें, पार्टी रिलीजन इसके ऊपर आप भाई बन के रहें और एक दूसरे की मदद करें। और मेरा एक मैसेज और, अभी जून जुलाई में गर्मियाँ इतनी थी कि लोग रोडों पर बेहोश हो रहे थे, जिनके BP लो हो गया, BP शूट कर गया। हम लोग 12 रबीउल अव्वल को सभी ने पानी लगाते हैं, चीज़ें जूस बांटते हैं, हम 9-10 मुहर्रम को बांटते हैं, तो भाई ठीक है ये आपका शौक है, मैं इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ, कम से कम आप इंसानियत के लिए, मैंने अपने खुद से पहले स्टार्ट करा, आप कुछ नहीं, आप रोडों पे कम से कम एक पानी के कूलर लगा दें, क्योंकि बहुत गर्मी थी, अभी थोड़ा मौसम बेहतर हुआ है, तो इस चीज़ का भी करें ताकि दूसरे भाई का भी ख्याल रखें, और जानवरों के लिए छत के ऊपर, क्योंकि गर्मी बहुत है, सब इंसानियत सब चीज़ों का आपको ख्याल रखें, इसी का जर है और यही आपके काम आएगा बात। ऐसा ही है जी, हाँ बिल्कुल। आज हमारे साथ शो पे मौजूद थे हुसैन पराचा, जो कि एक बहुत अच्छे बाइकर हैं, दी लेजेंड ग्रुप के एडमिन हैं, इसको लीड करते हैं और डिफरेंट इवेंट्स में जाते हैं। तो नाज़रीन इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नए मेहमान के साथ, नए आर्टिस्ट के साथ, आपकी अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी के साथ। तब तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।